कॉपीराइट क्लेम कैसे रिमूव कर सकते हैं। काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाया जाता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्या ऐसा काम करे कि हमारे पास कॉपीराइट कभी आए ही नहीं। दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि आप नए क्रिएटर होते हैं, स्टार्टिंग में आपको पता नहीं होता है कि कैसे यूट्यूब पर काम करना है और उस वक्त आपके वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अगर आप किसी दूसरे का म्यूजिक यूज करते हैं अपने वीडियो में तो आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो आज मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे आप अपने उस वीडियो का जो म्यूजिक है, जो कॉपीराइट क्लेम है, उसे कैसे हटा सकते हैं सही तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको लाइव यहां पर दिखाऊंगा। देखो यहां पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ऐसे तो आप मोबाइल से कर सकते हैं, मोबाइल में डेस्कटॉप मोड में आप स्टूडियो ऐप को ओपन कर लेंगे, स्टूडियो को गूगल पे, तो हो जाएगा, लेकिन उसमें मैं लाइव आपको दिखा नहीं पाऊंगा। यहां पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा दोस्तों। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं एक चैनल है अल्तमस ब्लॉग, ये भाई साहब है जो हमारे साथ चलते हैं अल्तमस ब्लॉग, जानते होंगे, ये हमारे साथ ही चलते हैं और होप टॉक का काम यही संभालते हैं। तो इनका एक चैनल है ये अल्तमस ब्लॉग, काफी अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं, और इनके चैनल पे क्या हुआ कि एक कॉपीराइट क्लेम आया है, कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। अब कॉपीराइट क्लेम आ गया है तो वो क्या करते हैं कि उस वीडियो को आप मोनेटाइज भी नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप, वो आप कॉपीराइट क्लेम ही आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कॉपीराइट जो भी देता है सामने वाला जो गाने का ओनर होता है वो शेयरिंग का ऑप्शन दे देता है, जिससे क्या होगा आधी अर्निंग आपको होगी, आधी अर्निंग वो ले लेगा जब से वो आपके पास स्टार्ट दे देता है, कॉपीराइट क्लेम दे देता है शेयरिंग के थ्रू। लेकिन आपको यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए एक वीडियो है इन्होंने डाला था और यहां पर देख सकते हैं कि मोनेटाइजेशन ये ऑन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहां पर कॉपीराइट क्लेम आया है, ये देखिए कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, तो ये मोनेटाइजेशन नहीं ऑन कर सकते। तो अब ये जो कॉपीराइट क्लेम आया है इसका सही तरीका क्या है कि भाई साहब ये कॉपीराइट क्लेम कैसे हटेगा, है ना, वो चीजें मैं आपको दिखाता हूं लाइव। तो आपको अपने मोबाइल में ही ऐसे करके डेस्कटॉप मोड पे ओपन कर लेना, कैसे हटाना वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए डेस्कटॉप मोड पे ऑन करेंगे आपके सामने सारे आपके वीडियो आ जाएंगे, यहां पर फिल्टर पे जाना है और कॉपीराइट क्लेम लिख देना है, कॉपीराइट क्लेम का सेक्शन आ जाएगा। तो जितने भी आपके वीडियोज होंगे जिस पर कॉपीराइट क्लेम आया होगा, ठीक है, क्योंकि अगर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा तो इसकी जो अर्निंग होगी आपको नहीं मिलेगी। ये साफ साफ यहां पर लिखा है मोनेटाइजेशन नॉट एलिजिबल, ये देखिए इन एलिजिबल लिखा होगा, इन एलिजिबल, इन एलिजिबल। अब ये भाई साहब इस वीडियो को कभी भी मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे, इससे जितने भी व्यूज आएंगे, जैसे कि मान लीजिए यहां पर इतने व्यूज आए हैं और कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है तो इतने 15,000 व्यूज का इनको पैसा नहीं मिलेगा अगर शुरुआत से ही इन्होंने कॉपीराइट क्लेम दे दिया। जब से कॉपीराइट क्लेम आएगा आपकी वीडियो में तब से आपको अर्निंग नहीं दी जाएगी। पहले तो आपने अर्निंग कर ली कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्टार्टिंग से ही आपकी क्लेम आ जाता है तो फिर आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो इसका तरीका क्या होता है मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है अपने मोबाइल में इसे ओपन करना है और यहां पर देखिए यहां पर आएगा कॉपीराइट क्लेम, यहां पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर लिख जाएगा, साफ साफ देख सकते हैं कि कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट फाउंड, कॉपीराइट फाउंड किया गया है, द ओनर अलाउ द कंटेंट टू बी यूज बट यू कैन नॉट मोनेटाइज योर वीडियो। मतलब कि जो गाना यूज किया गया है इसमें, म्यूजिक में यूज किया गया है, वो क्या है कि मोनेटाइज आप नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं आप वीडियो में यूज कर सकते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब इनके पास प्रॉब्लम आ गई, भाई इसको हटाना है तो कैसे हटेगा, यहां पर जाना है सी मोड पे जाना है। जैसे आप सी मोड पे जाएंगे दोस्तों तो आपके सामने देख सकते हैं ये वीडियो आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात को गौर से समझना, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम आए तो मेरे को बार बार कमेंट मत करना, पहले एक चीज को समझ लेना क्योंकि यहां पर गलतियां काफी सारे लोग कर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर चैनल को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचा है अगर कॉपीराइट। वी वॉश एक्सपर्ट इंटीमेट हाइजीन जो